हेलो फ्रेंड, जय माता दी। फ्रेंड आ देखिए, न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ के बेबी के लिए बहुत ही सुंदर स्वेटर लेके आई हूँ। मैं बिगनर के लिए लेके आई हूँ खासकर। तो इसको गले से बुनना यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, नीचे को बुनते जाएंगे। तो इसमें मैंने 5 बटन लगाए हैं, 10 धारियाँ बनाई हैं, फिर बटन होल बनाया है, 10 धारियाँ फिर बटन होल, इस तरीके से। और लास्ट में हमारे 4 धारियाँ और बाजू पर हमने ये 1 2 3 4 5 धारियाँ बाजू पर दे रखी हैं। और इस तरीके से देखिए, यहाँ पे जालियाँ डाल के हमने फंदे बढ़ाए हैं। तो फ्रेंड इसको पूरा मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो बिगनर है, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इसको। आज फ्रेंड हम गले से बनने वाली बेबी स्वेटर, न्यू बॉर्न बेबी के लिए स्वेटर बनाना सीखेंगे। बिगनर के लिए मैं लेके आई हूँ बहुत ही ईजी तरीके से। सिर्फ हम इसको सीधा उल्टा ही बनाएंगे, कोई डिजाइन नहीं बनाएंगे, सिर्फ 2 कलर लगाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। 2 कलर से हम इसको बनाएंगे, सीधा उल्टा। तो इस पे मैंने 72 फंदे डाल लिए हैं, और सिंगल धागे से आप ऐसे ऐसे फंदे डालिए, 2 3 4, जैसे भी आपको फंदे डालने आते हैं आप वैसे इसको डाल लीजिए ऐसे, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे 3 धारियाँ बना लीजिए, 1 2 3। अब उल्टी सिलाई पे हम दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने फंदे डिवाइड कर लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने फ्रंट पार्ट के लिए रखे हैं। और इसके साथ में जो एक फंदा है इस पर हम जालियाँ बनाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बाजू के लिए रखे हैं, और इसके साथ में ये जो फंदा है इस पर हम जालियाँ बनाएंगे। अब देखिए 18 फंदे फिर हमने बैक पार्ट के, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18 फंदे। अब इसके बाद इस फंदे पे हम जालियाँ बनाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने बाजू के लिए, और इस फंदे पे फिर जाली बनाएंगे, और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने फ्रंट पार्ट के लिए, और 7 फंदे हमने बटन पट्टी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब उल्टी साइड से हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 धारियाँ बना ली मैंने फंदे डालने के बाद। अब उल्टी सिलाई पे हैं हम, और दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक बटन होल है, 2 धारियाँ बनाने के बाद एक बटन होल बना लिया। जिस साइड हमारा बटन होल है उसी साइड हम इस कलर से बटन पट्टी बनाएंगे, और दूसरी साइड को हम दूसरे ही कलर से बना देंगे। तो देखिए कैसे हमने ये पूरी सिलाई बनानी है, 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से हम दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे अपना ऐसे। अब ये जो हम सिलाई बनाएंगे ये पूरी ऐसे ही बना देंगे उल्टी उल्टी, और सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ मैं आपको कैसे हम जालियाँ बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई में बना लेती हूँ पहले, ये देखिए ये जो हमारा मार्कर है इसको हम यहीं पे ऐसे ही लगा देंगे। तो मैं सीधी सिलाई पे दिखाती हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड पूरी सिलाई बना ली मैंने। ये देखिए इस साइड हमने ब्लू फंदे रखे हैं, और इस साइड के हम ये ऑरेंज ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा बटन होल है इसके ये बटन पट्टी इसके ऊपर आ जाएगी तो ये नीचे वाली दब जाएगी। तो अब देखिए 7 फंदे पहले हम उल्टे बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे करेंगे और 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब ये मार्कर हटा देंगे हम, और इस एक फंदे पे दोनों साइड हम जालियाँ बनाएंगे, एक जाली बनाई और एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली बनाई और 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अभी इस एक फंदे पे फिर जाली, एक जाली बनाई, एक फंदा सीधा, फिर जाली और बैक पार्ट के 18 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब इसको हटा देंगे और यहाँ पे जाली बनाएंगे और एक फंदा बनाएंगे, फिर जाली बनाएंगे और 9 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस एक फंदे पे जाली, ये जाली बनाई, ये बना दिया फंदा। अब फिर जाली बनाएंगे और फ्रंट पार्ट के 9 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब इस तरीके से क्रॉस करेंगे और ये धागा आगे लेके आएंगे और इन 7 फंदों को हम उल्टा, 2 3 4 5 6 और 7। पहले हमने 2 धारियाँ बनाई फिर बटन होल बनाया, अब 10 धारियाँ बनाएंगे फिर बटन होल बनाएंगे। तो अब हम ब्लू कलर से ही 2-2 सिलाइयों का हमें डिजाइन बनाएंगे। अब पूरी सिलाई हमें ब्लू कलर से उल्टी बना देंगे, फिर सीधी सिलाई पे एक बार फिर दिखाती हूँ जालियाँ बनाना। ये देखिए फ्रेंड, पूरी सिलाई बना ली मैंने ये ब्लू कलर से, 2-2 सिलाइयाँ बनाएंगे हम। अब 2 ही हम ब्लू से बनाएंगे, तो 7 फंदे पहले उल्टे, 3 4 5 6 7। अब धागा पीछे, पहले हमारे यहाँ पे 9 फंदे थे, अब 10 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 40 से फंदा बढ़ा तो 10 हो गए। अब इस फंदे पे हमने हमेशा सीधी सिलाई पे जालियाँ बनानी है, एक जाली बनाई फिर सीधा फंदा फिर जाली, और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे, 11 फंदे बनाए। अब देखिए इस फंदे पे हमने हमेशा जाली बनानी है, जाली बनाई सीधा बनाया फिर जाली बनाई, अब बैक पार्ट के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। यहाँ पे बैक पार्ट पे हमारे 2-2 फंदे पड़ेंगे, एक इस साइड एक इस साइड। अब यहाँ फिर जाली बनाएंगे और सीधा फंदा फिर जाली और बाजू वाले फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए हमारे बाजू के। फिर जाली बनाई, एक फंदा सीधा जाली बनाई, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे फ्रंट पार्ट के फंदे। यहाँ पे हमने ऐसे क्रॉस करना है, धागा आगे लाना है और ये 7 फंदे उल्टे, उल्टी सिलाइयाँ सभी इसकी उल्टी ही बनेंगी, उल्टी सिलाइयों पे हमने कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए बटन होल हमने कैसे बनाना है, यहाँ पे ही दिखा देती हूँ मैं थोड़ा सा आपको। देखिए एक उल्टी सिलाई से ही हमने बटन होल बनाना है, 2 3 हो गए तो 7 फंदे हमारे। अब यहाँ पे हम एक जाली बनाएंगे और इन 2 फंदे का 1 बना देंगे, तो उल्टी सिलाई पे हमें बनाएंगे तो सीधी सिलाई पे फिर उल्टी सिलाई बन के आ जाएगी, तो हमारा बटन होल यहाँ पे बन के आ जाएगा। इस तरीके से आप बटन होल बना लीजिए और पूरी सिलाई वैसे ही बना लीजिए।
10 10 धारियों के बाद हम बटन होल बनाएंगे। अब धागा इस साइड को और पूरी सिलाई हम ऑरेंज बनाएंगे। इस तरीके से दो दो सिलाइयां बनाते हुए और जालियां बनाते हुए आप 18 से 20 जालियां यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसे ही आप बना लीजिए। फिर मैं आगे का दिखाऊंगी आपको, बाजू के फंदे कैसे डिवाइड करेंगे, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के कैसे हम डिवाइड करेंगे। उल्टी सिलाइयां उल्टी और सीधी पे हमने जालियां बनानी है, जहाँ जहाँ पे हमने जाली बना रहे हैं। यहाँ पे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ हम जालियां बना रहे हैं। तो ये फ्रेंड बना लीजिए आप। और मैं 18 जालियां बनाऊंगी। आप अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है तो आप 20 जालियां बना लीजिए, नहीं तो आप सेम ही बना लीजिए। न्यू बॉर्न बेबी के लिए हमें बनाना सीख रहे हैं। देखिए तो ये मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आगे आपको डिवाइड करना। अब देखिए फ्रेंड, 19 बार हमने फंदे बढ़ा लिए, ये 19 जालियां बनाई हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और उल्टी सिलाई बना ली मैंने इस कलर से। अब देखिए फंदे डिवाइड करेंगे हम यहाँ से लेके ये जो सेंटर वाला फंदा जाली के साथ वाला, यहाँ तक हम फ्रंट पार्ट रखेंगे। यहाँ से आगे एक जाली से लेके दूसरी जाली तक हम बाजू रखेंगे। तो देखिए कैसे बाजू के फंदे हम अलग करेंगे। पहले मैं 7 फंदे उल्टे उल्टे बनाऊंगी, 4 5 6 7, धागा पीछे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35। ये जाली वाला और ये सेंटर वाला हम एक फंदा इस साइड को कर लेंगे। तो 36 फंदे हो गए हमारे। अब हम दूसरी सिलाई लेंगे और ये जो हमारे बाजू के फंदे हैं इनको हम इस सिलाई पे उतारेंगे। ऐसे ध्यान से देखिए, एक जाली से लेके दूसरी जाली तक 41 42 46 47 48 49 30 31 32 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 और ये सेंटर वाला 48। अब देखिए ये जो हमारी फ्रंट पार्ट के फंदे हैं, अब ये जो बैक पार्ट के हैं इनको हम इनके साथ बनाएंगे। तो देखिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। यहाँ एक जाली से दूसरी जाली तक हमने बैक पार्ट के लिए रखे 56 फंदे। अब देखिए, अब हम ये जो हमारा सेंटर वाला फंदा है, अब यहाँ से हम बनाते जाएंगे और ये वाले फंदे जो हैं एक जाली से लेके ये हमारा सेंटर वाला फंदा, इसके साथ में जो जाली है यहाँ तक हम इस वाली सिलाई पे उतार लेते हैं और फिर हम जो फ्रंट पार्ट के फंदे हैं उनको फिर हम राउंड वाली नीडल पे उतार लेंगे, तो दोनों बाजुओं के हमारे फंदे अलग हो गए। तो ये मैं बना लेती हूँ, उतार लेती हूँ ये इस वाले सिलाई पे। अब ये देखिए फ्रेंड, इस सिलाई पे हमने उतार लिए जाली तक। अब फिर से हमने राउंड वाली नीडल पे ये जो फ्रंट पार्ट वाले फंदे हैं इनको इस वाली सिलाई पे उतारेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अब देखिए उल्टी सिलाई हम अब इस वाले कलर से बनाएंगे, इसके बाद फिर हम बाजू बनाएंगे। तो पहले हम फ्रंट पार्ट के फंदे हैं बाजू तक ये बना लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ से हम धागा कट करेंगे और बाजू में इसको जॉइंट करेंगे। अब देखिए ये अगले पूरे फंदे हम ऑरेंज बना देंगे। अब बाजू पे भी हम सेम ही डिजाइन बनाएंगे जो हम बना रहे हैं, दो सिलाइयों का, दो सिलाइयाँ इस कलर की, दो दूसरे की। साढ़े 5-6 इंच तक की बाजू बनाएंगे हम, 5.5 की न्यू बॉर्न बेबी के लिए इतनी काफ़ी है, 5.5 या 6 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हमने बनानी है। अब देखिए अब हम यहाँ से बाजू बनाना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ इसी बाजू को बनाएंगे अब। तो दो सिलाइयाँ इसकी, दो इसकी, दो इसकी, ऐसे करके यही डिजाइन हम बाजू पे भी बनाएंगे। तो ये मैं बना लेती हूँ एक बाजू, फिर दूसरी दिखाती हूँ आपको कैसी बन के आई है। तो ये पूरा मैं एक बाजू बना लेती हूँ। इसके बाद हमने फंदे भी कम करने होते हैं बाजू में, तो 48 फंदे हैं इसमें, ध्यान नहीं रहा मुझे कितने फंदे हैं। तो उसके बाद सिर्फ 40 फंदे हमने छोड़ने हैं नीचे बॉर्डर तक, और फिर इनको कम करते जाना है एक इस साइड एक इस साइड, और
पांच छह सिलाइयां बनाने के बाद फिर एक इस साइड ऐसे करके हमें फंदे कम भी करते जाएंगे और ये डिजाइन भी साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो ये बना लीजिए, फिर दिखाऊंगी नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड, ये मैंने कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ये मैं सिलाइयां यहाँ से आगे देखिए यहाँ तक हमने बना लिया। एक दो तीन चार पांच बार हमने ये बनाया। इसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह बीस धारियाँ सिलाइयाँ सॉरी इसकी बनाई। इसके बाद फिर मैंने ये ग्रीन और येलो लगाया। तो ग्रीन की देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह धारियाँ सिलाइयाँ सॉरी धारियाँ बोली बारह ए फिर दो इसकी दो इसकी दो इसकी और फिर एक दो तीन चार फिर लास्ट में हमने इसकी और फिर बंद कर दिया हमने उल्टी सिलाई पे। तो एक बाजू मैंने सिल ली, दूसरी मैं आपको सिल के बताती हूँ। और ये देखिए ये बटन भी लगा लिए मैंने यहाँ पे। देखिए एक दो तीन चार पांच बटन लगाए हैं। दस दस धारियों के बाद हमने एक एक बटन होल बनाया। दस धारियाँ बनाई फिर बटन होल बनाया, दस धारियाँ फिर बटन होल। अब दूसरी साइड से देखिए मैं बाजू आपको सिल के दिखाती हूँ कैसे सिलेंगे हम इसको। जो धागा हमने यहाँ पे बाजू के लिए छोड़ रखा है उसी से सिलेंगे हम। देखिए कैसे एक बाजू सिल ली और दूसरी दिखा दो। अब थोड़ा सा ऐसे ऐसे सिलेंगे तो हमारी बिल्कुल भी धागा नहीं दिखेगा। पहले आगे ऐसे पीछे की साइड फिर आगे की साइड फिर पीछे की साइड और इसी तरीके से हमने लास्ट तक ऊपर तक सिलते जाना है। इस तरह से सिलने से फ्रेंड बिल्कुल भी टांका नहीं दिखता कि हम चाहे आप जिस भी कलर से सिल लें इसको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पूरा मैं सिल लेती हूँ ऐसे ही ऊपर तक, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये सिल लेती हूँ मैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे पहुँच गए हम जहाँ पे हमने ये जालियाँ बनाई हैं। तो इन जालियों को हम कैसे सिलेंगे, देखिए इस साइड की जालियों को ऐसे थोड़ा थोड़ा लूज सिलेंगे इसको और यहाँ पे आके इनको अब देखिए यहाँ पे बंद कर देंगे। दो बार धागा घुमाएंगे और ये पक्का हो गया। अब मैं ये सीधा करके दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने कौन से कलर से सिली है। तो इस तरीके से सिलने से यहाँ पे बहुत ही सुंदर स्वेटर बनके हमारी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इसको न्यू बॉर्न बेबी से लेके और बिगनर भी इसको बड़े आराम से बना सकते हैं। सिर्फ मैंने इसको सीधा उल्टा ही बना के दिखाया है। तो फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।